नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूँ जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ बरदा थाना क्षेत्र लल्लूगंज बाजार में स्मृति दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा पूर्व सांसद दरोगा सरोज प्रधान जी, स्वर्गीय विश्राम यादव एवं श्रीमती संत राजी की स्मृति दिवस पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के आयोजक राम दुलारी यादव द्वारा बताया गया कि मेरे पिता स्वर्गीय विश्राम यादव, माँ संत राजी, आज स्मृति दिवस का कार्यक्रम है। यहाँ विशाल भंडारा किया गया है। पिताजी लंबे समय से प्रधान रहे, अपने समय उन्होंने काफी विकास किया। कई वर्ष से पहले स्वर्ग सिधार गए। नई जनरेशन में ऊर्जा भरने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, माता पिता का सम्मान सबसे बढ़कर है, यह संदेश देने के लिए कार्यक्रम किया गया, ताकि नए जनरेशन को माता पिता के प्रति इतना आदर सत्कार होना चाहिए, यह जागरूकता का विषय है। उन्होंने बताया है कि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर वर्ष चलता रहेगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सौरभ सिंह, सूर्य नारायण यादव, राम सहाय राय, सतीश सिंह, सोनू राय, दीपक राय, विनोद सिंह, गौरी शंकर यादव आदि लोग उपस्थित रहे। उन्होंने मुझे जानबूझ करके लड़ाया कि रमाकांत जी का मुकाबला यही कर सकता है, दूसरे को ये लड़ने नहीं देगा। मैं आया, सच्चाई मैं बताऊं कि कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन यही पिताजी हैं आदरणीय विश्राम यादव जी, आज स्वर्गीय हो गए। इन्होंने कहा कि बेटा तुम आओ, मेरे घर में तुम रहो, यहीं कार्यालय बनेगा, यहीं से चुनाव प्रचार होगा। मैं और मेरे साथी जितने लोग थे, हमारे प्रचारक थे, सारे लोग यहीं चिट्ठे के यहीं नाश्ता पानी करते थे, खाते पीते थे, यहीं से प्रचार शुरू। और मेरे साथ कहां कहां नहीं गए, इटावा से लेकर जसवंत नगर तक, सफाई तक, मुझे साहस देने के लिए, हिम्मत देने के लिए अंत तक मेरे साथ रहे और देते रहे। आज उन्हीं के बेटे हैं, लायक पुत्र हैं आदरणीय राम दुलारी यादव जी। मेरा संबंध आज भी उसी तरह से जैसे पले था वैसे आज भी है। यहाँ के क्षेत्रवासियों से ठीक धन्यवाद। का कार्यक्रम रखा गया है और बड़े भव्य रूप से रखा गया है। आप अपने माता पिता के स्मृति दिवस के दिन काफ़ी उत्साहवर्धक भोजन की भी व्यवस्था की है, भंडारे की व्यवस्था की, काफ़ी जनता की, काफ़ी लोगों को पुस्तकें भी भेंट की, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का, ग्रामवासियों का और पत्रकार साथियों का, महिलाओं का जो भारी तादाद में यहाँ आई हुई हैं, धन्यवाद करता हूँ। यह कार्यक्रम लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट ने आयोजित किया हुआ है और लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि देश में शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, वीर बलिदानियों का, संत महात्माओं का, राजनीतिक विचारकों का, जिन्होंने व्यक्ति को, समाज को, देश को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है, उनकी याद में मनाया जाता है। इसी क्रम में मेरे पिताजी ग्राम सहोली के प्रधान रहे, मेरे भाई धनपाल यादव यहाँ प्रधान रहे, करीब 35 वर्ष तक हमारा परिवार यहाँ प्रधान रहा। मैं सभी ग्रामवासियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाया। मेरे पिताजी ने भी इस गांव का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कोई ऐसी जात नहीं है, कोई ऐसे धर्म का आदमी नहीं है जिसे उन्होंने कोई न कोई उसका निजी काम न किया और सार्वजनिक काम भी किया। उन्होंने पट्टे किए, सभी को भूमि आवंटित की, तमाम विकास के कार्य भी किए और साथ में गांव के अंदर सबसे बड़ा काम उन्होंने किया और राजनीतिक चेतना पैदा की। लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं थी, उस चेतना को जागृत करने का काम किया कि यहाँ लोग राजनीति में आने शुरू हो गए। पहला काम उन्होंने यही किया कि चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे हर समाज के व्यक्ति के लिए मजबूती से उनके रहे। यह कार्यक्रम करके नए जनरेशन को कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं क्या करना? नए जनरेशन के लिए ही यह कार्यक्रम है कि हमें समाज के अंदर बड़ों का सम्मान करना चाहिए,
अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति बदली हुई है, लोग बदल रहे हैं। हम लोगों का जो काल था उसमें माता पिता को देवता के समान समझते थे, आज स्थिति बदली हुई है। आज लोग माता पिता से प्रश्न करते हैं, वह चीज को खत्म करने के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम स्मृति दिवस मना रहे हैं और तुम लोग भी इसे इसका अनुकरण करके, इससे प्रेरणा लेकर के समाज के अंदर अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। और समाज में जो नफरत का वातावरण है, असहिष्णुता का वातावरण है, असहयोग का वातावरण है, उस वातावरण को दूर करके सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और बंधुत्व की भावना और समर्पण और सहयोग की भावना को पैदा कीजिए, जिससे समाज मजबूत हो, व्यक्ति मजबूत हो और देश में। धन्यवाद। आप पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ के मुख्य अतिथि हैं इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में, आपकी उपस्थिति भी थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, मेरा लगाव अब हमारे तो पूर्वज रहे, चले गए इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका नामो निशान है यहाँ, आज भी वो जिंदा है। मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है, बहुत ही लगाव रहा। जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए 2002 में, तो हमें कोई नहीं मिल रहा था यहाँ। ये हमारे बड़े भाई आदरणीय रमाकांत यादव जी जो एमपी हुआ करते थे, मेरे खिलाफ अपने किसी कैंडिडेट को लड़ाए थे और उनका इतना यहाँ बोलबाला था लोगों में, इतना प्रभावशाली थे वो कि अपने कैंडिडेट के सामने किसी को लेने नहीं देते थे। लेकिन हम लोगों के नेता परम सद्य आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव, आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।